हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के तरफ से एक वैकेंसी निकल के आया है। बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है। जिसके पास बीएससी क्वालिफिकेशन है, आईटीआई क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है और बीटेक या डिग्री क्वालिफिकेशन है, उन लोगों ने अप्लाई कर सकते हो। ये जो वैकेंसी निकल के आया है, यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है, आपकी ज्वाइनिंग होगा छत्तीसगढ़ में। पूरा जानकारी देने वाला हूँ। OCTT, ACT, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन और अटेंडर कम टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फायर इंजीनियर, बहुत सारा और भी दो चार वैकेंसी है। पूरा जानकारी देने वाला हूँ। इसका लास्ट डेट है 9 फरवरी। कैसे आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सारे जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा जरूर लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे टेक्निकल जॉब रिगार्डिंग, रेलवे का जॉब रिगार्डिंग, हर पल का अपडेट आपके पास पहुँचाता हूँ। तो कैसे आपको एक जॉब क्रैक करना है, उसका तैयारी प्रोसेस मैं पूरा बताता रहता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा रख दीजिए। दोस्तों, अगर आप टेक्निकल जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो। ई बुक है दोस्तों, रेलवे का जूनियर इंजीनियर या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे स्टडी मटेरियल आप लोग के लिए मैंने बना के रखा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ। जूनियर इंजीनियर का जनरल साइंस और इंजीनियरिंग जॉब रिगार्डिंग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बुक मैंने दे रखा हूँ, डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के तरफ से जो वैकेंसी आया है, वो आपको ज्वाइनिंग होगा छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट में निकला है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग हमारे वेबसाइट में आ सकते हो। helpingtapan.com को क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लिंक, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उधर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट रिक्रूटमेंट निकल के आया है। मैं आप लोग को कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप लोग को दिखा देता हूँ, उसके साथ ऑफिशियली नोटिफिकेशन को लेके जाऊंगा, उधर भी आप लोग को दिखा दूंगा। ये जो रिक्रूटमेंट है, आपको पता होगा सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिटी महारत्न कंपनी एक है। ऑनलाइन रहेगा आपकी एप्लीकेशन, और ये जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये सेल है, और पोस्ट नेम है अटेंडर कम टेक्नीशियन ACT, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन OCT, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट, जूनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, फायर इंजीनियर, ये सारे वैकेंसी निकल के आया है। क्वालिफिकेशन जिसके पास BSc है, ITI है, डिप्लोमा है, डिग्री है, उन लोगों ने अप्लाई कर सकते हो। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 9 फरवरी में रखा गया है। पोस्ट डिटेल्स आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखा दूंगा, कहाँ पे कितना वैकेंसी है वो दिखा दूंगा आपको दोस्तों। और जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, आपकी 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है, और उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड में आपकी सैलरी रहेगा 10,700 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जो रहेगा वो आपकी 12,200। ये परमानेंट जॉब है दोस्तों, ये ना अप्रेंटिस है, ये कुछ है नहीं अप्रेंटिस वगैरह, ये डायरेक्ट जॉब मिलेगा आपकी, पूरा परमानेंट जॉब। 2 साल के बाद आपकी परमानेंट हो सकती हो। 2 साल के बाद आज पर गवर्नमेंट रूल, PSC पब्लिक सेक्टर यूनिटी का जो रूल्स है उसके रिगार्डिंग आपको उसी वाइज आपकी सैलरी मिलेगा। आपकी ज्वाइनिंग होगा, जॉब लोकेशन भिलाई छत्तीसगढ़ में रहेगा। एज लिमिट के बात करेंगे तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम एज जो 28 ईयर आपको होना चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ी के बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल OBC 250 रुपया रखा गया, SC ST कैंडिडेट फ्री है, और फायर इंजीनियर जो पोस्ट है उन लोगों के लिए, वो बीटेक इंजीनियरिंग मांगा है, तो यहाँ पे आपकी 500 रुपया ओनली फायर इंजीनियर के लिए। और दोस्तों, स्टार्टिंग डेट जो है वो 19 जनवरी से शुरू होने वाला है। आज दोस्तों 16 है, 2-3 दिन के बाद आपको ऑनलाइन शुरू होगा। ऑनलाइन शुरू होने के बाद मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपको किन लोगों को एप्लीकेशन पूरा डिटेल्स आप लोग को बताऊँ, एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 9 फरवरी रखा गया है, 9 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है वो भी 9 फरवरी, और एडमिट कार्ड वगैरह आपको मिल जाएगा कुछ ही दिन के अंदर आपको। दोस्तों, ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आपको क्लिक करना पड़ेगा, आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा।
और अप्लाई करने के लिए आपको इधर क्लिक करना पड़ेगा। आपको जब से शुरू हो जाएगा, आपकी 19 तारीख से शुरू हो जाएगा, तो आपको 19 तारीख में आने के बाद आपको क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो, ऑफिशियली वेबसाइट को भी जा सकते हो। मैं आप लोग को ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट को लेकर चलता हूँ, उधर आपको नोटिफिकेशन के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, पोस्ट कहाँ पे कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन भिलाई स्टील प्लांट सेल एज फायर इंजीनियर, तीन पोस्ट है, अटेंड कम टेक्नीशियन यहाँ पे तीन पोस्ट है, और दोस्तों ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ये जो डिप्लोमा लेवल है 116 पोस्ट है, और ब्लास्टर में एक पोस्ट है, स्टाफ नर्स में 8 पोस्ट है, फार्मासिस्ट में 5 पोस्ट है, और जूनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट में 17 पोस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स आप लोग को बता दिया, जो ऑपरेटर कॉम टेक्नीशियन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो डिप्लोमा लेवल में यहाँ पे 16 वैकेंसी, 116 वैकेंसी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग होगा तो आपकी 2 साल ट्रेनिंग के बाद, यहाँ पे दोस्तों पे मैट्रिक्स देख सकते हो, आपकी जो ऑपरेटर कॉम टेक्नीशियन डिप्लोमा वालों के 16,800 से 26,100 रहेगा, वो भी आपकी 3% इंक्रीमेंट हर साल रहेगा, ये बेसिक पे रहेगा, आपकी सैलरी अच्छा खासा बन जाएगा। एज लिमिट आपको बता दिया हूँ, 28 तक अप्लाई कर सकते हो। OCTT जो है वो आपकी मेट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हो, और वो ब्रांच वाइज देख सकते हो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेशन में 15 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 15 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 है, मैकेनिकल में 35 है, और मेट्रोलॉजी में 35 है। मैकेनिकल और मेट्रोलॉजी में 35 35 वैकेंसी है सबसे ज़्यादा है, केमिकल में 5 है, सिविल में 3 है। तो दोस्तों अच्छा खासा वैकेंसी है डिप्लोमा वालों के लिए, और दोस्तों देख सकते हो स्टाफ नर्स में ये सारे BSc क्वालिफिकेशन मांगा है, और ब्लास्टर में मेट्रिकुलेशन, ब्लास्टर में दोस्तों मेट्रिकुलेशन वैलिड ब्लास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके साथ फार्मासिस्ट में यहाँ पर डिग्री फार्मासिस्ट में होना चाहिए, और जूनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट BSc स्टूडेंट तो है तो अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसका पूरा क्वालिफिकेशन डिटेल्स दिया गया है, आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो डाउनलोड करके यहाँ पे आप देख सकते हो। दोस्तों मिनिमम 50% मार्क OBC और जनरल के लिए होना चाहिए, आपकी जो डिग्री क्वालिफिकेशन है या डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है उनका 50% मार्क होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मैंने जो सैलरी स्ट्रक्चर बताया, ये सारे सैलरी स्ट्रक्चर पहले से बता चुका हूँ, और फिजिकल फिटनेस कुछ मिनिमम फिजिकल फिटनेस है यहाँ पे, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप सबके पास हो सकता है। और दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो पोस्ट फायर इंजीनियर के लिए 500 है और सारे 250 है, और यहाँ पे दोस्तों अटेंड कम टेक्नीशियन जो ITI वालों के लिए वो 150 रुपीज़ रखा गया है, और SC ST कैंडिडेट के लिए नो एप्लीकेशन फ़ी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को अप्लाई करने के लिए थोड़ा दिन रुक जाइए, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए दे देता हूँ। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपकी वो भी दिखा देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो पहले आपकी रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, रिटर्न टेस्ट के बाद आपकी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, आपको रिटर्न टेस्ट में लिया जाएगा, और उसके बाद 1:3 में लिया जाएगा स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के लिए। तो 1:3 में आगे जा सकते हो, उसके बाद आपकी फाइनली शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि स्किल टेस्ट जस्ट क्वालिफाइंग नेचर, आपको बेस्ट सिलेक्शन करने के लिए आपके रिटन टेस्ट को ही फोकस किया जाएगा, तो आपकी रिटन टेस्ट को अच्छा से तैयारी करके रिटन टेस्ट अच्छा से बनाइए, उसके बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों थोड़ा रुक जाइए, और कितने दिन तक यहाँ पे लास्ट डेट देख सकते हो, ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है स्टार्टिंग डेट यहाँ पे 19 जनवरी से है, क्लोजिंग डेट दोस्तों देख सकते हो 9 फरवरी है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 9 फरवरी है, और यहाँ पे ये सारे जो एग्जाम डेट वगैरह विल बी अवेलेबल वेबसाइट, कुछ ही दिन के अंदर आपकी वेबसाइट में मिल जाएगा। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप हमारे helpingtapan.com को आ सकते हो, यहाँ पे विलाई स्टील प्लांट में दिया गया है, आप इधर नीचे जाओगी तो आपकी एप्लीकेशन का लिंक दे दिया हूँ, इधर से कुछ ही दिन के बाद आपको एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करने के बाद पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, वीडियो अगर अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय,
जय हिंद दोस्तों। अगर आप टेक्निकल जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो। ई बुक है दोस्तों, रेलवे का जूनियर इंजीनियर या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे स्टडी मटेरियल आप लोग के लिए मैंने बना के रखा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ। जूनियर इंजीनियर का जनरल साइंस और इंजीनियरिंग जॉब रिगार्डिंग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बुक मैंने दे रखा हूँ, डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है।